बुरी तरीके से युवाओं को ठगने का काम कर रही है। ये चाहती नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिले, ये सिर्फ धर्म के नाम पर उनको भटकाने का काम कर रही है। अभी सरकार को गुखार फेंकने का समय आ गया है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नौकरी के नाम पे झुंझुना दिया जा रहा है। आप बताइए 60 लाख फार्म भरा गया, 500 रुपए फीस दी, माँ बाप ने खेती किसानी करके बच्चों को फीस दी और उन्होंने साल दो साल पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? खुद जानबूझकर युवाओं को भटकाने के लिए ये प्रयास करती है। बार बार हर बार परीक्षाएं लीक होती हैं, इसमें पूरी तरीके से योगी सरकार की संदिग्धता है, ये युवा जान चुका है। कहता है युवा है वो कहना चाहेंगे, इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लगातार अगर देखा जाए तो ये गड़बड़ी मिल रही है भर्तियों में। ये सरकार पूरी तरीके से युवाओं को ठगने का काम कर रही है। ये चाहती नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिले, ये सिर्फ धर्म के नाम पर उनको भटकाने का काम कर रही है। अभी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। अब युवक कांग्रेस इस बाबत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा, इनकी गर्मी निकालने का काम यूथ कांग्रेस करेगी। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती में गड़बड़ी को मानते हुए कहा है कि फिर से भर्ती कराई जाएगी, पूरा परीक्षा होगी। इस तरीके से लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि एक बार पहले परीक्षा होती है, उसमें जो है गड़बड़ी होती है, उसका फिर परीक्षा कराने की बात कर रही है? ये सरकार खुद जानबूझकर युवाओं को भटकाने के लिए ये प्रयास करती है। बार बार हर बार परीक्षाएं लीक होती हैं, इसमें पूरी तरीके से योगी सरकार की संदिग्धता है, ये युवा जान चुका है। क्यों ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं? इन्हें लगता है 2024 के इलेक्शन में नौकरी नहीं देना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं कि नौकरी का झुंझुना दिया जा रहा है। सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नौकरी के नाम पे झुंझुना दिया जा रहा है। आप बताइए 60 लाख फार्म भरा गया, 500 रुपए फीस दी, माँ बाप ने खेती किसानी करके बच्चों को फीस दी और उन्होंने साल दो साल पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ? भर्ती से रोक दी। अब ये चुनाव बाद भर्तियों की पता नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। जो मजदूर किसान के माँ बाप के लड़के हैं वो तो खेती किसानी पर आधारित है ना, अब उनकी उम्र भी चली गई तो क्या करेंगे? ये सरकार, हमारी आपके माध्यम से गुजारिश है कि सरकार ये परीक्षाओं को चुनाव के बाद ना करा के चुनाव के पहले कराए, और जो ये कमर तोड़ महंगाई है उस महंगाई पर अंकुश लगाने का प्रयास करे। ये जो झुंझुना देने का काम कर रही, झुंझुना देने का काम खत्म कर दे सरकार, क्योंकि ये तानाशाही ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। हिटलर जब जिंदा था तब भी वो तानाशाही करता था, लेकिन क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब ईश्वर का देर है, अंधेर नहीं है। हमारा आपके कहने से, आपके पत्रकार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये जो भर्ती है इसको चुनाव बाद नहीं, चुनाव के पहले कराने का प्रयास करें, ताकि जो युवा बेरोजगार है वो आस लगाए बैठा है भर्ती के लिए, वो भर्ती पर होने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर अब जो नाराजगी है, क्योंकि यहाँ पर तमाम युवा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनकी मांग है कि सरकार समयबद्ध तरीके से जो है परीक्षाएं कराए और जो खामियां आ रही है उन पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि आज बेरोजगारी को लेकर, भर्ती पेंडिंग मामले को लेकर, साथ ही साथ जो पेपर लीक का मामला है, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ा आंदोलन दिख रही है। और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है, आप देखिए कि तस्वीरों में दिखाएंगे कि तमाम जो कांग्रेस के युवा के जो लीडर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और ये पूरा इस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए ये लीडर पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस के साथ उनकी जो धक्का मुक्की चल रही है। और यहाँ जो बैरिकेडिंग लगाई गई है उस बैरिकेडिंग पर चढ़कर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो बेरोजगारी का मुद्दा है, भर्ती पिंडी का मामला है, तमाम मुद्दों को लेकर आज एक बड़ा आंदोलन देख सकते हैं। कि दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो पुलिस और पीएससी के लोग हैं वो तैनात हैं, और यहाँ इस बैरिकेडिंग पर आप देख सकते हैं कि झंडे लहराए जा रहे हैं, बैनर जो बेरोजगारी और महंगाई तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो लेकर बैनर लेकर आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए बैरिकेडिंग को किस तरीके से गिराया जा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बैरिकेडिंग को हटाकर वो मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी तरफ के जो रास्ते हैं मुख्यमंत्री आवास पर जाने वाले वो पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना आक्रोश, कितना गुस्सा जो है वो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है, कि ये युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो है इस बैरिकेडिंग को तोड़कर
मुख्यमंत्री आवास जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस की यूथ कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब के श्री लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।